चलती है आज की कुछ खास खबरें, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए आज के टॉप 5 न्यूज। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है सुजाता द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी फीड में। आइए शुरू करते हैं आज की टॉप 5 न्यूज। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के पावरफुल कपल गौहर खान और जैद दरबार आ सकते हैं स्टार प्लस के न्यू सेलिब्रिटी बेस्ड शो स्मार्ट जोड़ी में नजर। जी हां, स्टार प्लस ला रहा है एक नया रियलिटी शो जिसमें नजर आएंगे 12 से 15 सेलिब्रिटी कपल्स जो परफॉर्म करेंगे कुछ फन टास्क अपनी कंपैटिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। इसमें खबर है कि गौहर खान और जैद दरबार, जिनके सोशल मीडिया पर है काफी अच्छे फैन फॉलोइंग, आ सकते हैं इस शो में नजर। अगर ये शो बेस्ड है वोटिंग पर तो काफी ज्यादा चांसेस है गौहर और जैद के इस शो को जीतने पर। खबरें हैं कि आयुष्मान खुराना या फिर रितेश देशमुख कर सकते हैं इस शो को होस्ट। बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की ओर। पारस छाबड़ा नजर आ सकते हैं खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में। जी हां, बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट रहे पारस छाबड़ा, जिनकी हाल ही में एक वीडियो आई थी माहिरा के साथ जिन्ना रोइया में, जिनके वो हिस्सा रहे थे, वो आ सकते हैं खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में नजर। कुछ कारणवश खतरों के खिलाड़ी 11 के लिए मना कर दिए थे पारस छाबड़ा, लेकिन अब खबरें हैं कि वो हो सकते हैं खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 का हिस्सा। ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि कैसे करेंगे पारस छाबड़ा सारे स्टंट्स को परफॉर्म। बढ़ते हैं आज की तीसरी खबर की ओर। मोहसिन खान और शिवांगी जोशी, जिन्होंने प्ले किया था कार्तिक और नायरा का रोल स्टार प्लस के काफी पॉपुलर डेली शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में, वो आ रहे हैं अपने फैंस के लिए एक नई खुशखबर लेकर। जी हाँ, ये दोनों नजर आने वाले हैं एक नए म्यूजिक वीडियो तेरी अदा में नजर। मोहसिन खान और शिवांगी जोशी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर किया इसकी अनाउंसमेंट। एक पोस्टर शेयर करते हुए मोहसिन खान लिखते हैं दैट ही विल बी शेयरिंग सम इंफॉर्मेशन सुपर सून। ऐसे में पोस्टर में नजर आ रहे मोहसिन खान ने पहना है एक डार्क कलर जैकेट, एक हाई नेक स्वेटर, और शिवांगी जोशी आ रही है एक व्हाइट कुर्ते में नजर। फैंस है काफी एक्साइटेड फिर से इस ऑन स्क्रीन जोड़ी की जलवा देखने के लिए। आप है कितने एक्साइटेड इस न्यू म्यूजिक वीडियो के लिए, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। जी, लॉकअप का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। एकता कपूर आ रही है अपने सबसे बड़े ओटीटी रियलिटी शो लॉकअप के साथ। ये शो स्ट्रीम होगा ऑल्ट बालाजी के प्लेटफॉर्म पर। ऐसे में आपको बता दें कि आज ऑल्ट बालाजी ने किया है लॉकअप का पहला पोस्टर आउट। आपको बता दें कि अब लॉकअप भी होगा बिग बॉस की तरह 24/7 स्ट्रीम। आप देख सकेंगे अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स की सारी हरकतें इस लॉकअप में 24/7। बढ़ते हैं आज की लास्ट खबर की ओर। हम सभी जानते हैं एकता कपूर की नागिन 6 बनी है काफी सुर्खियों में। ऐसे में हाल ही में जब नागिन 6 का टीजर हुआ था आउट, तो ऑडियंस करने लगी थी इसकी स्टोरी लाइन को ट्रोल। ऐसे में एकता कपूर का कहना था कि वो काफी श्योर थी कि वो होंगी ट्रोल और उन्हें पड़ेंगी गालियां ऐसी स्टोरी लाइन के लिए। लेकिन हाल ही में एकता कपूर ने अपना स्टेटमेंट जाहिर किया और एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि उनकी बात हुई थी अपनी फ्रेंड के साथ, जिन्होंने एकता कपूर को गाइड किया इस स्टोरी लाइन को फॉलो करने के लिए। एकता कपूर कहती है कि अपने इस सुपरनैचुरल फिक्शनल शो में वो लोगों को दिखाना चाहती है कि पिछले 2 साल में लोग किन किन दौरों से गुजरे हैं। वेल, कैसी लगी आपको नागिन 6 की स्टोरी लाइन, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वेल, ये थे आज के टॉप 5 न्यूज। इसी तरह की लेटेस्ट और फ्रेश न्यूज के लिए हमारे चैनल देसी फीड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।